नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। इतवार का ही कोतवाली थाना क्षेत्र में डी प्लाज्मा सेक्स वर्करन का पकड़ा गया रहा, जो इनका पूछताछ करे के बाद आज न्यायालय में पेश करेगा। अपने बता दें कि पुलिस की टीम सेक्स रैकेट का चलावे वाली सितारा खान महिला के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के धारा में मामला का पंजीबद्ध करी नहीं है। वहाँ पुलिस का मुखबिर से सूचना मिली रही, जोने के बाद पुलिस दबिश दे के 5 महिलान का ग्राहकन के साथ गिरफ्तार करे। साथ ही मां सेक्स रैकेट का चलावे वाली महिला सितारा खान के साथ दीप लाज के संचालक और मैनेजरों का गिरफ्तार करी। वहीं सोमवार का पुलिस हिरासत में लिए सभी महिलान का न्यायालय में पेश करी। मुखबिर सूचना मिली थी और वहाँ पर कुछ लोग ऐसा संचालक लोग पकड़े गए हैं दीपक लाज में, कार्रवाई चल रही है। पूरी कार्रवाई होने के बाद आपको पूरा कंप्लेंट बताया जाए। देखो कितने लोग पकड़े गए? करीब अभी इसमें 5-6 लोग पकड़ाए हैं अभी। और इसमें बच्चन के वैक्सीन खातिर पंजीकरण के प्रोग्राम शनिवार का शुरू हुआ रहा। सरकार के तरफ से पहले दिशा निर्देश जारी कई दिन के रहे, जोने माही कोविन ऐप पर सबसे पहले अकाउंट बनाए के या फिर पहले से बने अकाउंट में पंजीकरण की जा सकत है। एक अलावा वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाए के पंजीकरण की जा सकत है। टीकाकरण खातिर 15 से 18 साल के करीब 7,90,000 लड़का वैक्सीन खातिर पंजीकरण करवाई है। जी सर, ये कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार 3 जनवरी को रीवा ज़िले के समस्त विद्यालयों में वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो गया है। बच्चे लगभग सर मार्तंड एक में 1200 हैं। बुलेटिन के लिए खबर ही भाई, जहां NSUI के कार्यकर्ता रैली निकाल के कलेक्टर का ज्ञापन सौंपी नहीं भाई। वहाँ पदाधिकारी प्रशासन का चेतावनी दे के कहीं के पूरे देश में ही कोरोना के केस लाखन में आ चुके हैं। वहाँ रीवा जिला में ही एक दिन पहले आधा दर्जन कोरोना के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई रही है। वह छात्र संगठन के लोग यहाँ कहीं के कॉलेजन के परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है, जो उनके जान के साथ खिलवाड़ा है। यही खातिर छात्र ऑनलाइन परीक्षा खातिर ज्ञापन सौंपी नहीं है। जी, हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या है, डेली यहाँ पे देश में कल से लाखों की तादाद में कल 1,04,000 केस आए हैं और रीवा में भी 6 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अपने आए हैं क्या क्या मांगे हैं आपके? माननीय कलेक्टर महोदय जी को NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये है कि जिस प्रकार से कोरोना एवं ओमिक्रॉन अपने देश में ही सबसे अधिक दुर्दशा अगर कोनो वर्ग के हवे तो वही किसान अन्नदाता, जिनका कहा था मां माने जब से आज़ादी मिली तब से आवे वाली सरकारन के वोट बैंक के मुद्दा रहे, पर इतना साल बीत जाए के बाद अब इनकी स्थिति में ही कोनो विशेष सुधार नहीं आए। ये अपना का दिखाओ आवे वाले वीडियो में ही, जहाँ रीवा माँ हाड़ कपाए दे वाली ठंड में ही करैया मंडी माँ सैकड़न ट्रैक्टर में फसल लेके किसान उनके तुलाई के इंतजार में उहें पड़े हमा। कोनो जवाबदार अधिकारी करैया मंडी के किसान का पूछे तक नहीं आमा। जब विराट की टीम करैया मंडी के जायजा ले पहुंची तो देखी किसान को मेके अपन दुख सुनाई हमें। आए हैं जी, अभी तक तो लाए नहीं अभी समय नहीं। इतनी ठंड में आप आए, इतनी ठंड में कल से रुके हुए हैं? वहाँ सिंचाई होगा ऐसी चल रही है, तुम बंद हैं, हम लोग यहाँ पड़े हैं, कौन देखेगा वहाँ, हम लोग तो यहीं हैं। यहाँ कब से आए हुए हैं आप? आज ही आए, अभी तक बिक्री नहीं हुई है। बुलेटिन के अगली खबर ही जनपद पंचायत तेउथर से, जहां रायपुर में ही सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार चरम पर हबे। दोनों के मिली भगत से 7 सालन में करीब 10 से 12 करोड़ रुपयन के गबन की जा चुका है। अपना को बता दें कि शासकीय विद्यालय के बाउंड्री बाल और चौतरा के निर्माण खातिर पैसा तो निकाल ले रहे, पर निर्माण के काम का आधा छोड़ दी। ऐसने और कितना निर्माण के कार्य के नाम पर पैसा हजम करे हमा, सुनी शिकायतकर्ता का बताएं। हमारी जनपद पंचायत तेउथर ग्राम पंचायत रायपुर में सात वर्ष में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए सरपंच और सचिव द्वारा निकाला गया है, जो कि आज तक कोई वर्क काम नहीं हुआ है। PCC रोड कम से कम 10-12 रोड जो बनी नहीं है, उसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए आहरित किया है सरपंच और सचिव। मनरेगा का पैसा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
रायपुर में बाउंड्री वाल का सीओ जिला पंचायत रीवा द्वारा दिया गया था 22 लाख रुपए। उसके एक वर्ष पहले 30 लाख रुपए मनरेगा से पैसा निकाला है बाउंड्री वाल को दिखा करके, जबकि वो अधूरी पड़ी हुई है मौके पर। चबूतरा में 1.5 लाख रुपए स्कूल के नाम से निकाला है, आज तक नहीं बना है। इसके बाद ग्राम रायपुर में नीम का पेड़ है, उसमें 1.1 लाख रुपए निकाला है। चबूतरा करीब 8 चबूतरा हैं जिनमें 12 लाख रुपए निकाला है, हरित किया गया है। इसके बाद PCC रोड में 2 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, करीब 10 से 12 करोड़ रुपए निकाला है। बुलेटिन के अगली खबर है पर मऊगंज से, जहां विधायक प्रदीप पटेल सिविल अस्पताल के जायजा लेहिन। अपने को बताया कि वहां पहुंच के रोग कल्याण समिति के बैठक लेहिन, जो निमा विभाग के सब अधिकारी रहे हमा। सिविल अस्पताल के अधूरा भवन का पूरा कराए के अस्पताल में बेड बढ़ावे और 3 जनवरी से 15 साल के ऊपर लड़कन खातिर 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिन, साथ ही अस्पताल के सीमांकन कराए के ओका अतिक्रमण से मुक्त करावे, अस्पताल परिसर में रैन बसेरा, शौचालय, पार्किंग आदि के निर्माण के जायजा लिहिन। ये रोगी कल्याण समिति की एक रेगुलर बैठक वाली मीटिंग है, कोरोना के कारण पहले थोड़ी रेगुलर नहीं हो पाई थी, अभी फिर अभी बैठक लिए और उसमें पूरे अस्पताल परिसर की व्यवस्थाएं और अभी ख़ास तौर से जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर के ये तय हुआ है कि भाई हम पहले से ही, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है, दुनिया में तो तीसरे लहर भयंकर हाहाकार मचा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे मऊगंज में हम अभी से पहली व्यवस्था कर लें, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ नए कोरोना के वेरिएंट के एक भी पेशेंट नहीं आए हैं और 100 लोगों की जांच पर डे हो रही है, उसमें 100 में से एक भी आदमी कोरोना का नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ इस तरह के अभी नहीं आए हैं, पर अब हम थोड़ा सा बुलेटिन के अगली खबर है सतना से, जहां के सर्किट हाउस चौराहा में ही अनाज से भरा ट्रक खराब होगा, जो के कारण वहाँ लंबा जाम लगा। अपने बताए रही कि ट्रक में ही क्षमता से अधिक धान भरी रही है, जो के रेलवे माल गोदाम में जा रही है। बीच चौराहे में ट्रक खराब हो गए, जोने के सूचना यातायात पुलिस का मिली तो दूसरे ट्रक से खराब ट्रक में धक्का लगवाए के रोड के किनारे करवाई, जोने के बाद जाम खुला। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में समाचार देखे खातिर देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार। नमस्कार।